आज श्री चैतन्य गौड़िया मठ परिदर्शन करछन्ति राष्ट्रपति। दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे आसिथिबा राष्ट्रपति 10:30 पूरी राजभवन रो बाहरी बड़दाण्ड स्थित श्री चैतन्य गौड़िया मठ रे पहुंचीथिले। मठ आराध्या देवता को आलती और पुष्पांजलि पर्व रे राष्ट्रपति सामिल होइथिले। सेठारु 10:50 रे सरदाबाली जाई साधु सम्मेलन रे 1 घंटा धरी सामिल होइथिले राष्ट्रपति। गौड़िया मिशन रो प्रतिष्ठाता श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादंक 150तम जन्मवार्षिकीर उद्घाटन उत्सवरे जोग देइछन्ति राष्ट्रपति। कोरोना महामारी कबलरु विश्वको मुक्ति देबा लागि श्रीजगन्नाथंकु प्रार्थना करिछन्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गौड़िया मिशनर प्रतिष्ठाता श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादंक 150तम जन्म जयन्तीर तृतीय वार्षिकी पालन शुभारंभ उत्सवरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जोगदेबा अवसरें उद्बोधन दे कहिछन्ति जे विश्वर विभिन्न आस्था पछरे ईश्वर भक्ति रहिछि। मानवता को आस्था आधार रे बांटी हेबनी, सत्य एक एहाकु बांटी हेबना ही। व्यक्ति को सबुबेले ईश्वरंक स्मरण करबा उचित। से तांको भाषण रे चैतन्य महाप्रभुंक महाभाव संपर्क रे वर्णना करथिले। एतसहित भक्त मीराबाई, कबीर सूरदास, संत तुलसीदास, श्री रामानुजाचार्य, गुरु नानक, शंकरदेव, नरसिंह मेहता, नारायण भट्ट, संत तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वरंकु आदिंकु भी स्मरण करिछन्ति महामहिम। राष्ट्रपति पत्नी तथा देशर प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित थे। यह अवसर में एक स्मरणिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्मोचन करछन्ति। विश्व वैष्णव सम्मेलन को उद्घाटन करने पूर्व राष्ट्रपति श्री चैतन्य गौड़िया मठ को जाते पूर्वाह्न 10:35 पहुंचे राष्ट्रपति। सेठे चतुर्धा मूर्ति राधाकृष्ण और श्री चैतन्य को दर्शन करते पुष्पाजलि अर्पण करने प्रदीप जाते। तेणु मठ और मंदिर परिसर महामहिम को स्वागत पाई सुंदर साजसज्जा कर सूचनाजोग्य जे श्री चैतन्य गौड़िया मठ में आयोजित यह आडंबरपूर्ण कार्यक्रम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन करने को आसते मठ को आसवे से द्वितीय राष्ट्रपति। पूर्व 1986 मसीह तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह यह मठ परिदर्शन करते। मैं भारत के पूर्वी क्षेत्र की उन महान आध्यात्मिक विभूतियों का उल्लेख भी करना चाहूँगा जिन्होंने विश्व पटल पर हमारे देश को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन अपनी चरम पर था तब भारत के पूर्वी क्षेत्र को गौड़ नाम से जाना जाता था। संभवतः इसीलिए श्री सरस्वती प्रभुपाद जी ने विश्व वैष्णव राजसभा को गौड़ीय मठ का नाम दिया था। उनके प्रयासों से देश के विभिन्न शहरों में गौड़ीय मठ की स्थापना हो सकी और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार वे मानव जाति के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रासंगिक शिक्षाओं का प्रसार करते रहे। मैं आशा करता हूँ कि गौड़ीय मिशन मानव कल्याण के अपने इस उद्देश्य को सर्वोपरि रखते हुए चैतन्य महाप्रभु की वाणी को विश्व भर में प्रसारित करने के अपने संकल्प में सफल होगा। एक बार फिर सरस्वती प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती से जुड़े समारोहों की सफलता के लिए मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त भक्ति आंदोलन की अन्य महान विभूतियों ने हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता को शक्ति प्रदान की। भक्ति समुदाय के संत अपनी शिक्षाओं में एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे अपितु प्रायः एक दूसरे की कृतियों से प्रेरित होते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर और संत रविदास सहित अनेक विभिन्न संप्रदायों के संतों की वाणी का समावेश किया गया है। जहाँ अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत की स्थापना की जा रही थी वहीं सहजता और सहिष्णुता की धारा भी प्रवाहित हो रही थी। 1893 में जब हमारा देश उपनिवेशवाद के बंधनों में जकड़ा हुआ था उस समय स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव का उदाहरण संपूर्ण विश्व के सामने शिकागो धर्म सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में विश्व समुदाय के समक्ष भारत के आध्यात्मिक संदेश को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अंततः समुद्र में मिल जाती हैं ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगे हैं लेकिन अंत में सब ईश्वर तक ही पहुँचते हैं।
आध्यात्मिक एकता का भारत का यह सिद्धांत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपनाया था। पिछले सप्ताह मुझे हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य की स्टेचू ऑफ इक्वालिटी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक तो थे ही, वह भक्ति मार्ग के महान प्रेरक भी थे। लोगों में भक्ति का संदेश प्रवाहित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं ही श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सिंहाचलम, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्कर और नेपाल में मुक्तिनाथ तक की यात्रा की। उनकी जगन्नाथपुरी की यात्रा का भी विशेष उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के अनेक क्षेत्रों में महान विभूतियों ने भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया। असम में शंकर देव से लेकर गुजरात में नरसिंह मेहता तक तथा उत्तर में गुरु नानक से लेकर दक्षिण में मेलपत्तूर नारायण भट्ट तिरी तक कोई भी क्षेत्र भक्ति की इस धारा से अछूता नहीं रहा। गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु से लेकर महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ और संत ज्ञानेश्वर तक महान संतों ने पूरे देश को भक्ति भावना से एकाकार किया। देवी और सज्जनों, भक्ति की यह धारा देश से बाहर विदेशों में भी प्रवाहित होती रही। ये कहा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के जिस महान वटवृक्ष को विकसित किया, उसकी विभिन्न शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश में पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। इसी परंपरा में इस्कॉन के संस्थापक स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद भी आते हैं, जिन्होंने पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संदेश को पहुँचाया। ईश्वर भक्ति की ये सभी धाराएं वस्तुतः एक ही सत्य से जुड़ी हुई हैं और उनका बृहद स्वरूप पूरे विश्व में देखने को मिलता है। ईश्वर के प्रति समर्पण, संपूर्ण समर्पण की भक्ति मार्ग की विशेषता मात्र आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु मानवता की सेवा को साकार करने वाली हर व्यक्ति की जीवन शैली में भी देखने को मिलती है। इसी मानव सेवा के समर्पण वृत्ति का एक रूप हमें डॉक्टर्स, नर्सेस तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा में भी दिखाई देता है। सेवा भाव को हमारी संस्कृति में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भी कोविड महामारी के दौरान इस सेवा भाव का प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस से हुए लोग भी संक्रमित हुए, लेकिन उनकी उतनी विषम परिस्थितियों में भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और त्याग व साहस के साथ लोगों के उपचार में जुटे रहे। हमारे अनेक कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान भी गंवाई, परंतु उनके सहकर्मियों का समर्पण अटल बना रहा। पूरा देश ऐसे योद्धाओं का सदा ऋणी रहेगा। मानवता की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य मानने वाले हमारे कोरोना योद्धाओं ने जापान में प्रचलित इकिगाई की अवधारणा को सार्थक बनाया। हम सबको अपने जीवन की इकिगाई को पहचान कर उसे हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो अथवा व्यावसायिक। ब्यूरो रिपोर्ट, सकाळ खबर।